मेरे पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। ये दुख इतना बड़ा है कि बर्दाश्त नहीं हो सकता। सानिहा नवाब शाह में जांबहक होने वाले अफराद को मुकीम शाह और अमीन शाह के कब्रिस्तानों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वरसा का गम बांटने के लिए कोई हुकूमती शख्सियत मौजूद नहीं थी। नमाज जनाजा दौलतपुर की मरकजी शाहराह पर अदा की गई, जिसमें जांबहक होने वाले बच्चों के अजीजों अकारिब दोस्तों असातिज़ा के अलावा हजारों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर कई रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए। गम से निढाल हर चेहरा अफसरदा, हर आंख अश्कबार। कुछ बिछड़ गए, कुछ उजड़ गए, कुछ जीते जी मर गए। लाशें सड़क पे पड़ी रही जो है, दो दो चार चार घंटे बाद इंतजामिया पहुंची। क्या बोलूं इंतजामिया से, मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। ये दुख इतना बड़ा है कि बर्दाश्त नहीं हो सकता। मेरा एक दोस्त था नौमान रफी, वो भी पोजीशन होल्डर था, उसका भी इंतकाल हो गया है। हमें यकीन भी नहीं आ रहा। शहर में इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है और कोई ऐसी आंख नहीं है कि जो अश्क बार न हो, और वो पत्थर से पत्थर दिल जो कभी नहीं रोए आज रो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये आज का दिन मुहर्रम है साना करबला इस दौलत पर शहर के। हर आंख अश्क बार है इस वक्त, ऐसी पोजीशन है, 10-12 लाशें एक साथ ही, क्या करें। दौलतपुर के हर घर में कयामत से पहले कयामत का मंजर। गली गली मातम, गिरियाजारी, आहोबका और सिसकियां, कारोबारी और तिजारती मराकज बंद, चहार सू सकूते मर्ग। हादसा गुज़श्ता रोज उस वक्त पेश आया जब दौलतपुर के निजी स्कूल के बच्चे रबीउल अव्वल के हवाले से क्विज मुकाबले में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे कि काजी अहमद रोड पर ओवरटेकिंग के दौरान उनकी वैन सामने से आने वाले डंपर से जा टकराई। इस मोड़ पे पहले भी बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इस रोड को, इस मोड़ को सही करने के लिए कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की अपनी। हुकूमत ने पहले वालों को कुछ नहीं दिया, अब हमको क्या देगा। जाँ बहक होने वाले बच्चों के बुरसा ने बताया तमाम बच्चे लायक और पोजीशन होल्डर थे। दौलतपुर की तो दौलत ही लुट गई।